नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सोनभद्र वाहन चालकों का शक्तिनगर वाराणसी राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन। हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रकों को बेग खड़ा कर राजमार्ग को किया जाम। ट्रक चालकों ने मोटर व्हीकल एक्ट कानून को बताया एकतरफा कानून। कानून वापस लेने की मांग को लेकर ट्रक चालकों ने की जमकर नारेबाजी। हादसे के बाद मौके से फरार होने पर सजा के प्रावधान के विरोध में किया प्रदर्शन। चालकों का आरोप, दुर्घटना के बाद स्थानीय जनता से खुद की जान बचाने पड़ती है, ऐसे में सहायता कैसे कर सकते हैं। 10 लाख रुपए जुर्माना व 7 साल की सजा का है संशोधन एमवी एक्ट में प्रावधान। ओबरा कोतवाली क्षेत्र के ओबरा डाला संपर्क मार्ग पर लगा जाम। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। धरना कर रहे हैं, इस धरने का क्या आपका मकसद है और क्या आप सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं? सर, मैं सरकार तक अपने धरने के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं। अभी 2024 में 1 जनवरी को ये कानून लागू किया है ड्राइवरों के लिए। ड्राइवर 5,000-7,000 रुपये की नौकरी करता है और वो अगर किसी जानबूझ के दुर्घटना नहीं करता है, अगर दुर्घटना संजोग हो जाता है, अगर ऐसी स्थिति में अगर ड्राइवर जेल जाता है तो 7 लाख रुपया जुर्माना, 10 लाख रुपये की 10 साल की सजा है। तो ये गलत है, इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए और इसमें संशोधन करके कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए जो जनता हित में हो और सबके हित में हो। चालक तो यहाँ पे ऑटो, टेम्पू, जीप, स्कूटर सब हैं, बस, ट्रक सब हैं, लेकिन सबको इसका समर्थन भी करना चाहिए। इसी के साथ आज जो आप लोगों ने धरना दिया है काले कानून का नारा देते हुए, क्या है इसका पूरा मामला? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी पासेड, जो कानून पास किया गया है, हम पूरी ओबरा के जो नगर पंचायत के निवासी हैं, इस कानून का पूरे ड्राइवर संघ जो हमारी चालक संघ है, इस कानून का अंतोगत्वा हम लोग एट द 11th आवर जब तक वापस नहीं हो जाता है ये बिल, तब तक हम लोग जो है स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। और साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जब कृषि कानून जो है दिल्ली में पास हुआ था तो लगभग 11th मंथ जो है चला था और वो कानून देश हित में नहीं था, तभी तो वापस किया गया। और ये कानून भी देश हित में नहीं है, चूँकि आप जानते हैं कि ड्राइवरों का कोई दोष नहीं होता है और इतना बड़ा अगर कानून पास हो जाता है तो समझ लीजिए कि पूरे देश के जो गरीब जनता है, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि गरीबों के साथ हैं, हमें इस बात से खेद होता है कि प्रधानमंत्री जी जिस नारे को लेके चलते हैं शायद वो सपना जो है देश के जो ड्राइवर चालक हैं टूटते जा रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई क्रांतिकारी आंदोलन होती है तो उसमें सत्ता परिवर्तन होता है और बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो उस समय बस चालकों ने स्ट्राइक किया था भाड़ा कर लेकर। और भाड़ा जब उनकी जो है सरकार 2004 आते आते आप लोग के स्ट्राइक से यहाँ के जो स्थानीय सवारी हैं, जो भी कहीं दूर दराज जाना चाह रहे हैं, काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखिए, ये तो देखिए, हम लोग जो है हमारी बहुत सारे जो है प्राइवेट गाड़ियाँ जा रही हैं, हम लोग निजी वाहन को रोक नहीं रहे, हम लोग जो हमारी जो मांगे हैं हम लोग उनके प्रति जो जनता है जनता के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग रोके नहीं है किसी, कोई टू व्हीलर से जा रहा है, कोई पर्सनल गाड़ी है, उसको हम लोग कहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारी मांगे ये है केवल कि जो है बस आप इस कानून का वापस ले लीजिए। कल जो माँ हमारी 3 चक्के या 4 चक्के की गाड़ी पर जा रही है, वही बेटा कल अदरवाइज अन्यथा न ले, अगर एक्सीडेंट में घटित हो जाता है तो 10 साल का लाइफ इम्प्रूवमेंट। इतना हार्ड एंड फास्ट कानून पूरी दुनिया में जो है भारत के लिए ये सर्वदा सही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार आप चलाते हैं और माननीय भारत सरकार से मेरा अपील होगा, अर्ज होगा, प्रधानमंत्री जी इस कानून को इमिडिएटली देन एंड देयर कम टू बैक, इसको वापस ले लेंगे। बहुत ही आपका, चूंकि 2024 का चुनाव है प्रधानमंत्री जी, आपका जो है मिशन जो है हो सकता है कि फेल हो जाए प्रधानमंत्री जी। यहीं पे कुछ यात्री कह रहे हैं कि इस कानून को आने से जो चालक जो गाड़ी चला तेज रफ्तार में चलती है, बसें चाहे ट्रकें,
तो उस पर कुछ है, उन लोग अपने आप को संशोधन करेंगे उस अपने चालक में। प्लीज प्लीज इस पे मैं एक कहना चाहता हूँ कि द अंडर आर्टिकल 368 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द अमेंडमेंट का प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कानून बिल पारित कर देना, काहे के लिए आप हाईवे बनवा रहे हैं, नेशनल हाईवे NH2 NH3 NH7 पूरी हाईवे आप दे रहे हैं, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा करा दीजिए। काहे के लिए 80 किलोमीटर घंटा का प्रधानमंत्री जी गाड़ी पास कर, लिखा होता है 80 किलो पर मीटर, गाड़ी का एवरेज आप देते हैं ना, आप 20 किलोमीटर कर दीजिए। जिंदाबाद।